आज किसानी आंदोलन दिल्ली में शामिल होने मोहाली से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में भारी तादाद में नौजवानों का जत्था रवाना हुआ। मौके पर नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मशहूर गायक जस बाजवा भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं सुपर न्यूज 24/7 मोहाली से रितिश कुमार की पूरी रिपोर्ट। बोला लाता सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी। देखिए आज यहाँ से जो जथा जा रहा है वो चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली इनका जथा जा रहा है और जथे का मतलब ये दिखाना होता है कि देखो सरकार अगर इस बड़ेके में है कि हमारे साथ लोगों की संख्या कम हो गई है या लोगों में उदासी छा गई है तो इससे हमें भी पता चलता है और इससे सरकार को भी पता चलता है कि अभी लोगों में जोश कितना है। और ख़ास तौर पर यहाँ से जथा ले जाने का मतलब ये है कि देखो जो शहर वाले लोग हैं जो चंडीगढ़ के मोहाली के जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो लोग भी इस आंदोलन में साथ में हैं क्योंकि ये धर्मयुद्ध है ये जन आंदोलन है तो ये हम सरकार को दिखाना है। पीयूष गोयल ने कल एक स्टेटमेंट दी कि 11 बार मीटिंग कर चुके आगे भी हम तैयार हैं उसको बयान को कैसे देखते हो आप? देखिए 11 बार मीटिंग की और 12वें बार तो वो तैयार हुए नहीं झूठ बोल रहे हैं। जहां MSP का मुद्दा आया है MSP पे आके वो उन्होंने बिल्कुल लॉक लगा दिया वहाँ के मीटिंग बंद कर दी है क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि आज हमें 3-4 लाख करोड़ रुपया MSP ना मिलने की वजह से नुकसान हो रहा है किसान को तो जो वो हमने पॉइंट अड़ाया उस पर वो आके इनका जो है एक उन्होंने बातचीत पे ब्रेक लगा दी। दूसरी बात हमने उनको 11 मीटिंगों में ही ये पूछा कि ये कानून किसानों के फायदे में कैसे हैं वो आज तक नहीं बता पाए। हम आपके माध्यम से ही पूछते हैं कि ये कानून किसानों के फायदे में कैसे हैं ये इन कानूनों का नाम खेती कानून रखा क्यों? ये तो खेती व्यापार कानून है व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं कृषि व्यापार के लिए कानून बनाए गए ना कि कृषि उत्पादन के लिए। चढ़ूनी साहब हरजीत सिंह गरेवाल की जमीन के बेचो ना सारे काम वापस नहीं हो सकते। अश्विनी शर्मा ने भी यही बात बोली है कि चीजें हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे। शरद पवार का देखिए देखिए वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं वो जो दे रहे हैं वो जनता को बताएं कि वो क्या दे रहे हैं वो जनता को बताएं हम जनता को बताएंगे क्या नहीं दे रहे हैं। अगर वो बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते हैं वो मीडिया के सामने आके बातचीत कर लें वो खुले मंच पे आके बातचीत कर लें हम सब तरह से तैयार हैं। वो जो कहना चाहते हैं वो जो उनकी मनसा है पहली बात तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लॉकडाउन के अंदर अध्यादेश लाने जरूरी थे? ये तो कानून बनाना था साल पहले भी बन सकता था साल बाद में भी बन सकता था। आपातकाल क्या था और इसलिए कानून लेके आए कि आपात जो कोरोना चल रहा है उसके अंदर देश का किसान अपनी आवाज़ निकाल नहीं पाएगा अगर निकालेगा तो हम कोरोना के नाम से उसकी आवाज़ दबा सकते हैं। शरद पवार के बयान को कितना देखा सर कि शरद पवार ने कहा कि सारे कानून वापस नहीं हो सकते कुछ अच्छे हैं। मैं तो वही बात कर रहा हूँ जी सब उसके क्या और सबके क्या सबके यही है सरकार के कि सारे कानून वापस नहीं हो सकते क्यों खुदा ने वापस करने हैं सरकार ने वापस करना है सरकार का आज रद्द कर सकती है आप। मैं हम सरकार से सवाल ये करना चाहते हैं कि इन कानूनों से किसानों का कौन सा फायदा है इनके कौन से कानून के कौन से लॉज से सरकार किसान का फायदा है वो सरकार बताए। चढ़ूनी साहब कैबिनेट के बदलाव दी खबर आ रही ने कहते नरेंद्र सिंह तोमर की जगह नवा खेतीबाड़ी मंत्री जो लाया जा सकता लगता भी ये कोई फर्क पैजूगा जो अंदोलन चल रहा भी ये क्या ये कुछ नहीं होता ये तो लोगों का गुस्सा दबाने वाली बात होती है कि देखो ये जो है कृषि मंत्री मामले को सुलटा नहीं पाया ये मुख्यमंत्री मामले को सुलटा नहीं पाया ये तो फंडबाजियाँ हैं बदला तो मोदी जाना चाहिए मोदी को बदल तो सारी समस्या नहीं खत्म हो जाएगी। बुलावाया जाओगे कोई बुलावाया जाओगे फिर हाँ बुलावाएगा तो जाएंगे ठीक लहर नू सरकार ने रखने के लिए कॉलां बहुत जरूरी है मूवमेंट बहुत जरूरी है से वो भी ये मूवमेंट भी जागो रैली भी आज उसे ही एक आंदोलन का हिस्सा है कि असी वध तो वध भाईचारा साडा जिहड़ा दिल्ली दीआं सरहद्दां वल नू लैके जा सकीए लोगों जिहड़ा भरम भुलेखा हो गया कि लहर ठंडी पै गई जां लोक हुण घरां चों नहीं निकलदे तुसीं कट देख सकदे हो चंडीगढ़ वर्गे शहर चों जिथे कामकार वाले लोग ने दिन भर रात 9-5 जॉब करते हैं तो मैं ये कहना चाहना कि लहर है जी बिल्कुल चढ़ती कला चा जदों तक के तीन काले कानून रद्द नहीं होंगे गवर्नमेंट जिन्ने मर्जी प्रोपोगंडा करी जाए असी
लगातार सरगर्मी साड़ी जारी रहेगी जदों तक कानून वापस नहीं लेंदी गवर्नमेंट। मंत्री वालों वक्त-वक्त बयान भी दिए जा रहे हैं, सानू कोई परवाह नहीं हैगी जी, मंत्री जो कुछ मर्जी कही जाए, रद्द होंदे या नहीं होंदे, असीं आपदा काम आपदे तरीके नाल कर रहे हैं। 11 बेसिटा मीटिंगां लगातार साडियां होईयां ने, पर हुण जे नहीं सुन रहे तां सानूं अगला एक्शन है जिहड़ा ओह प्लान करना पऊगा। मंत्री उही मंत्री होणगे जिहने उहनां दी ही कलम चलूगी, इह तिन काले कानून वापस होणगे। लोकां दी शक्ति, किसान मजदूर भाईचारे हर एक वर्ग की शक्ति है जिहड़ी इक हो के चल रही है। बहुत मेहरबानी। परचे हो रहे ने लगातार तुहाडे ते, कोई असर हुंदा उहदा? कोई परचे इक छड्डो झूठे साडे ते, चाहे 14 पा दो ना, असी आ तां परचा एक्सपोज हो गया, अज सारी संगत खड़ी है, इह परचा तां चंडीगढ़ वाला एक्सपोज हो गया 7 महीने तों जिहड़ा गवर्नमेंट साडे ते लगातार तशद्दुद कर रही है दिल्ली तों। असीं अज तक कदे मीडिया दे सामने आके नहीं कहा कि साडे ते परचे पा रही है गवर्नमेंट झूठे, असीं आपदा काम करन लगे हुए हां। उवें जिन्ना जोर इन्हां तों लगदा है ये ला लैण, जो साडे तों सरदा वरदा होगा असीं आपदे हिसाब नाल करी जावांगे। पर इत्थे मैं एक गल कह देना चाहुंदा कि जिहड़ा साडा ही भाईचारा साडे खिलाफ करता, जिन्ने वीर हरियाणा पुलिस च ने जां चंडीगढ़ पुलिस च ने, उह सारे किसान ने, तां मैं इह गल कह देणी चाहुंदा कि जिन्ने इह प्राइवेट सैक्टर अज अडानियां अंबानियां कोल चले गए, आने वाले समय से ऐसा ही महकमे भी है जोड़े वो प्राइवेट सैक्टर को जाएंगे। तो अंबानी अडानी जिमें अज की डेट अमित शाह गृहमंत्री है, तो अंबानिया के अडानिया के मुंडे DSP SSP बदलिया करेंगे, उदों इन्हों खड़न वाले सिर्फ किसान ही होंगे जिन्हें अज लाठियां मारते हैं। इन्ना क प्रशासन को जरूर समझना चाहिए कि झूठे परचे किसते पाउण तो पहला एक पुख्ता जानकारी जरूर कर ले। हौसला वधाउण दे लई ते जिहड़ा लोक कहिंदे कि चंडीगढ़ दियां पत्थरां दा शहर आ, इस संघर्ष ने पत्थरां नूं बोलन लाता। सरदार गुरनाम सिंह चड़ौनी।